हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह के बज रहे थे 5 और मैं 4:30 में उठी थी। और देखिए, लगभग मेरी सब्जी अभी बन चुकी है, ब्रेकफास्ट और लंच में भी इनको देना है। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ कच्चे बनाने की सब्जी, और ये अभी पक चुका है। मिल्क भी मेरा गर्म हो चुका है, उसके बाद मैं आटा भी गूँथ ली थी, और आटा गूँने के साथ साथ मैं अभी बनाने जा रही हूँ रोटी। तो ये सारे काम सुबह सुबह जल्दी होता है। मैंने ब्लॉगिंग भी लेट स्टार्ट करी थी आज, क्योंकि कुछ काम मेरा हो गया था, तभी मैंने कैमरा सुबह सुबह ना लगाने का मन नहीं करता है। तो मैं फटाफट से अभी बना लेती हूँ रोटी। और सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है कि उठते उठते सब्जी कट करो, कई बार मैं सब्जी को रात में ही कट करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी अभी बन रही है और सब्जी भी अभी बन रही है। अभी इसको गैस को मैंने बंद नहीं किया है। और मॉर्निंग टाइम में मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि मॉर्निंग टाइम में ड्राई वाली ही सब्जी बनाऊँ। अगर ग्रेवी वाली बनानी होती है तो फिर कुकर में सीटी लगता है, फिर स्पर्श उठ जाता है, तो इसलिए वो सुबह उठ जाएगा तो और भी मेरे काम ना मुश्किल हो जाते हैं करना। चलो ठीक है, 6:30 उठो तो वो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी जब उठ जाता है तो फिर और काम नहीं हो पाता है। सुबह सुबह किचन भी मेरा मैशी हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये सब तो मैं बाद में क्लीन करूँगी, तो उससे पहले तो मैं यहाँ पे सबसे पहले खाना वाना बना लूँ। ब्रेकफास्ट में देती हूँ 7 बजे खाने के लिए, और साथ ही साथ लंच भी देती हूँ, तो लंच के लिए भी मुझे खाना बनाना है। और गाइज, मुझे पता है मेरे ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, सो प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए, मैं जल्दी ही रेगुलर होने की कोशिश करूँगी और डेली आपको ब्लॉग्स मिला करेंगे। तो बस मैं भी फटाक से रोटी बना लेती हूँ। तो अभी मेरी रोटी बन चुकी है। तो रोटी बनाने के बाद अभी वक्त आ जाता है सैलड कट करने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बिना सैलड के कभी खाते नहीं है, तो उनको चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर कुछ नहीं है ना तो खीरा भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पेयर ली हूँ और एक मैं खीरा ली हूँ। और क्या है, ये खाना कम खाते हैं लेकिन सैलड जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, बोलते हैं कि उसमें चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैं कट कर ले रही हूँ। इसमें से थोड़ा सा मैं भी खाऊँगी। स्पर्श बिल्कुल भी नहीं खाता है, ना तो खीरा खाता है ना पेयर खाता है, दोनों में से कुछ नहीं खाता है। अगर कई बार मैं इसमें एप्पल भी एक कट कर लेती हूँ, क्योंकि इनको डायबिटीज़ है ना, तो थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। देन मैं अभी जा रही हूँ, सुबह सुबह भी अंधेरा ही है, तभी मैं जा रही हूँ अभी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो रात के जो बर्तन थे वो सब वॉश करके यहाँ पे रखे हुए हैं साइड में बास्केट में। बस मैं गैस स्टोव वगैरह को जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद ना फिर मुझे पूरे घर की क्लीनिंग भी करनी है। तो यहाँ पे उसका स्टैंड भी मैंने निकाल लिया है। और सुबह सुबह अभी घर भी मेरा बहुत ज़्यादा गंदा है, तो ये सब साफ़ सफ़ाई करनी है, झाड़ू पोछा ये सब कुछ करना है, बाकी बर्तन ज़्यादा नहीं है। तो अभी जो बर्तन निकले ना सब्जी वाले, कढ़ाई वगैरह, वो सब मुझे बस वॉश करने हैं, ज़्यादा बर्तन इस टाइम पर नहीं है। तो ये भी स्टैंड इसका मैंने धो के अभी रख दिया है, ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी। तब तक मैं अभी गैस स्टोव को भी पोंछ लेती हूँ। स्क्रबिंग मैंने कर दिया था पहले ही, लेकिन कपड़े को भिगा के मैं यहाँ पे साफ़ कर ली हूँ। जब से मेरा हाथ कटा था ना, तब से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सफाई करने में बहुत डर लगता है, जो विंडो है, क्योंकि पूरा बहुत मुझे मुश्किल हुई थी, काफ़ी दिनों तक मुझे पेन हो रहा था। एंड बस गैस स्टोव भी अभी साफ़ हो चुके हैं, साथ ही साथ इसके काउंटर टॉप भी मैं साफ़ कर लूँगी। और साइड में जो 2 डब्बे आप देख रहे हैं, इसको मैंने, ये डब्बा ना खाली हुआ है, एक में तो पोहा था और एक में और कुछ था, तो फिर उसको मैंने निकाल के रखा है ताकि उसको वॉश करके सुखा के रखूँगी ना, तो कोई भी चीज़ जब रखनी होती है तो ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं होती है। तो अभी मैं यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में ही आ चुकी हूँ हॉल एरिया में, लिविंग एरिया में अपने, और यहाँ से सारे कपड़े जो भी हैं, ये ऑफिस गए थे फोल्ड करके, ऐसे ही सब रखे हुए थे, तो उन सबों को फोल्ड करके रख दूँगी। जो कपड़े मुझे मशीन में डालने हैं उसको मैंने मशीन में डाल दूँगी। और स्पर्श अभी सो के उठा नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोफ़ा का कवर वगैरह था उसको भी मैं अभी सही कर दे रही हूँ, और साथ ही साथ जो कुशन वगैरह है उसको मैं जगह जगह पे लगा दे रही हूँ। और उसके बाद साइड में ना बहुत सारे क्लॉथ्स वगैरह पड़े हुए हैं टेबल पे, तो उसको भी सही करना है। तो सबसे पहले मैं सोफ़ा को ही ठीक करती हूँ। और स्पर्श भी बस अभी उठने ही वाला था, क्योंकि उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे दी थी, लेकिन चलो आज मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करके कर ही लूँगी, क्योंकि कई बार जब वो बीच में उठ जाता है ना तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे वो सो के उठ के आ चुका है, जस्ट अभी आया ही है, और आने के बाद थोड़ी देर के लिए वो अभी बैठा हुआ था, एकदम शांति से बैठा रहेगा, उसके बाद थोड़ा इधर उधर करता है। तो बस अभी कॉल भी आ गया था, तो कॉल पे मैं थोड़ी देर के लग गई थी 5 मिनट, लेकिन मॉर्निंग टाइम में बहुत ही कम कॉल रिसीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम रिसीव करती हूँ, ताकि मेरा टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो। और कई बार अगर ईयरफोन वगैरह लगा के बात करना होता है तो मैं अपने काम करने के साथ साथ बात करती रहती हूँ, और बीच में मेरे सॉन्ग, तो जब भी डस्टिंग क्लीनिंग मॉर्निंग टाइम का हाउस वर्क रहता है उस टाइम पे, तो मैं सॉन्ग लगा ही लेती हूँ, ताकि मेरा जो काम है ना वो एकदम से फास्ट में हो। और फास्ट फास्ट काम करो तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और काफ़ी एनर्जी भी रहती है, ऐसा लगता है कि ये काम हो गया दूसरा भी मेरा कम्प्लीट हो जाएगा।
पे देख सकते हैं फिर से मैंने रख दिया था मिल्क गर्म होने के लिए, क्योंकि और किचन भी मेरा एकदम साफ सुथरा हो चुका है। और मन लगा के सफाई करो, पेशेंस के साथ करो तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। और घर कैसा भी हो, किचन कैसा भी हो, हमें साफ सुथरा रखो ना तो एक अलग से एनर्जी आती है। उसके बाद कपड़े भी मैंने ना, ये कल वाले कपड़े हैं जो वॉश हुए थे, तो इसको मैं अभी धूप में डालने के लिए जा रही हूँ, लेकिन क्या था ना कल बारिश हो रही थी तो पीछे रस्सी पे ही डाला हुआ था, तो अभी मैं इसको डाल दे रही हूँ धूप में ताकि थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और सब काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे जो टेबल वगैरह ना, इस पर भी थोड़े बहुत डस्ट दिखने लगे थे, क्योंकि बारिश आंधी जब आती है ना तो मेरा जो लिविंग एरिया है इसमें से एक डोर है बाहर की तरफ, तो अभी मैं जा रही हूँ इस फर्श को ब्रश करा देने के लिए, तो उससे क्या है ना डस्ट आते रहते हैं और मेरे टेबल पे सोफे पे इस पर ज़्यादा आता है, इसलिए मैं जो स्टार्टिंग करती हूँ ना कभी भी क्लीनिंग डस्टिंग की तो मैं अपने लिविंग एरिया से करती हूँ, ताकि अगर वो साफ़ सुथरा हो जाता है तो बाकी सब काम साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे फर्श भी अभी लगभग ब्रश कर ही चुका है, देन मैं अभी नहाने के लिए जाऊंगी, नहाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गाइज़ यहाँ पे हमारा जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो हो गया है, तो सब्जी वगैरह तो सुबह बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पे रोटी फिर से मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं सुबह 5:30 बजे खाना बना रही हूँ तो उतनी सुबह तो मैं रोटी बना के रखूँगी नहीं, तो बस इसी वजह से मैं गरम गरम ही रोटी बनाएंगी और हम लोग खाएंगे। तो सब्जी है मेरी, रोटी मैं फटाफट से बना लेती हूँ अपने लिए और स्पर्श के लिए। रोटी बन चुकी है माँ और बेटे की, उसके बाद सब्जी जो है उसको भी मैंने प्लेट में निकाल के स्पर्श को दे दिए। स्पर्श को भी मैंने टाइम से नहला दिया था, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई किया, फिर मैंने उसको नहला दिया था। और बस मैं अपने लिए रोटी बना के 2 से 3 ही रोटी, एक स्पर्श को मैंने अभी एक ही दिया है तो उसके लिए एक रोटी और मैं बनाऊँगी और अपने लिए 2 से 3 बना ले रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आज मैंने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता जैसे पोहा वगैरह होता है ना तो उससे पेट भर जाता है, तो इतना रोटी बनाने का वो नहीं होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना।